जब हम पूरे दिन काम करते हैं और थक जाते हैं, फिजिकली भी थक जाते हैं, मेंटली भी थक जाते हैं, उस वक्त हमको क्या चाहिए होता है? कुछ डिफरेंट चाहिए होता है, काम नहीं चाहिए होता। हमें काम से एस्केप करना होता है, मतलब काम की एक लिमिट है, एक टाइम होता है काम करने का, जैसे जागने का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, जब फिजिकली बहुत थक जाते हैं, पूरे दिन थक गए हैं, तो हम सोना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू गो इन अ डीप स्लीप, है ना? और वो नींद क्या है अगर एक एस्केप नहीं है तो? एस्केप फ्रॉम एवरीथिंग, मतलब हर कोई अपनी नींद से प्यार करता है। इसका प्रूफ ये है कि जब सुबह हमें उठना होता है तो हर कोई अपने अलार्म में स्नूज का बटन दबा देता है और कहता है 10 मिनट और 15 मिनट और। इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि हमें सबसे ज्यादा प्यार जिंदगी में जागने से नहीं है, जागने से भी ज्यादा प्यार सोने से है। सोते वक्त ऐसा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। यू कैन कॉल इट एन एस्केप, यू कैन कॉल दैट स्टेट एज कि आप खुद के पास वापस आ गए हो। नींद में आपका जो ओरिजिनल सोर्स है या जो आप एक्चुअल में हो, आप उसके सबसे पास हो, आप खुद के पास हो, आप मर्ज हो गए उस पूरे यूनिवर्स के साथ में। फिर क्या होता है, जागते ही ये मैं क्रिएट हो जाता है, जिसको बोलते हैं सेंस ऑफ सेल्फ। तो वो जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो कुछ नहीं है, वो एक आइडेंटिटी है जो आपकी अपनी इस बॉडी से है, जिसको ईगो बोलते हैं। ईगो को लोग ये समझते हैं, ईगो का मतलब होता है कि सिर्फ आई एम दिस आई एम दैट, नहीं, वो प्राइड है, राइट? ईगो मींस आई एम दिस, इसको हिंदी में बोलते हैं अहंकार, दैट मींस अहम का आकार। अहम मतलब मैं और मेरा ये आकार, मेरी ये फॉर्म है। तो जैसे ही हम अपने आप से आइडेंटिफाई कर जाते हैं इस बॉडी से, तो दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल आर प्रॉब्लम्स। वहां से हमारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, और क्या हो जाती है उसको समझने के लिए हमको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने माइंड में खुद देख सकते हैं कि हम कैसे फंसते हैं, राइट? किस किस तरह के थॉट्स हमारे अंदर आते हैं, उनमें कितने कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। एक तरफ से हम कुछ करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते, एक तरफ से एक पर्सन के साथ रहना भी चाहते हैं और उसको छोड़ना भी चाहते हैं, एक तरफ से हम खुद को पसंद भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। देयर इज ऑलवेज एन अपोजिट, कुछ करना भी चाहते हैं और डर भी लगता है। तो इन अदर वर्ड्स देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, और उस कॉन्फ्लिक्ट में वी गेट स्ट्रेस्ड आउट। इसी को स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस इज ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है तो कोई स्ट्रेस नहीं होता है। तो ये जो ईगो है, दैट इज मैं, ये आप वो, ये एक डिविजन क्रिएट कर देता है आपके बीच में और मेरे बीच में, मेरे बीच में और इस यूनिवर्स के बीच में, मेरे बीच में एंड सो कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के बीच में। एक डिवाइड ही तो आ गया ना। मैंने अपने आप को अलग कर लिया सबसे। नींद में क्या होता है, मैं सबके साथ में एक हो जाता हूं। तो जो स्पिरिचुअलिटी का असली में मतलब है, जिसकी बात रूमी कर रहे हैं, दैट इज टू एस्केप फ्रॉम द सेल्फ। बट दैट इज नॉट अ टिपिकल एस्केप ऑफ एन एस्केपिस्ट, कि जो जाए और जा करके सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाए। दैट इज अंदर की दुनिया में आप खुद से फ्री हो गए हो। यू आर फ्री फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेपरेट आइडेंटिटी, एंड देन यू आर वन विद द होल। फिर आप पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो। फिर आप जो पेड़ पौधे हैं, फ्लावर्स हैं, जो हवा चल रही है, सब कुछ हो रहा है। सोचो, सब कुछ हमारे पास होता है, हम फिर भी उसको एंजॉय क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम मैं में ही घुसे रहते हैं, और ये मैं बहुत ही लिमिटेड है। Some people when they get into a relationship, they just forget the idea of themselves and they are obsessed with the other person. Right. It's because they've lost the sense of themselves. हाँ. क्योंकि उनको दूसरा वो अच्छा, ज्यादा अच्छा लगता है उनसे। राइट, अब वो और डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि अब उनका जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो आइडेंटिफाइड हो गया है किसी और के साथ में, कि ये मेरा है, ये मेरी है। तो अब वो एक तरह का ऑब्सेशन बन जाता है। कहने का मतलब है, जो रूमी बात कर रहे हैं ना, ही इज टॉकिंग अबाउट लव, एंड व्हाट इज लव इफ इट इज नॉट अबाउट फॉरगेटिंग योर सेल्फ, एंड व्हेन इट इज फॉरगेटिंग योर सेल्फ, इट इज फॉरगेटिंग द अदर ऑल्सो। मतलब जब तक तू है और मैं हूं, तब तक प्यार नहीं है। हम हैं, वही तो प्यार है। कि इफ आई कैन कनेक्ट विद दिस यूनिवर्स, इफ आई कैन कनेक्ट विद द अदर पर्सन, माय लाइफ पार्टनर, या जो भी मेरे साथ में है, मेरे जो बच्चे हैं उनके साथ में, अगर मैं ऐसे कनेक्ट हो जाऊं कि वो मैं ही हूं, राइट? तो मेरे मैं की डेफिनेशन में वो भी आ गया, ये भी आ गया, आप भी आ गए, सब कुछ आ गया, ये पूरा यूनिवर्स आ गया। तो अब ये जो मैं है, ये इन आइसोलेशन है ही नहीं, यानी मैं है ही नहीं। तो नाउ आई एम अवे फ्रॉम माई सेल्फ, बट आई एम कनेक्टेड टू द होल। अब मैं लिमिटेड नहीं हूं, अब मैं इन्फिनिट हूं, और इन्फिनिट को दुखी करने का कोई तरीका नहीं है, और फाइनाइट को खुश करने का कोई तरीका नहीं है। Wow.